हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ लता। फ्रेंड्स, सामने जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये खूबसूरत सी रग, आपको ये जानकर कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब पुराने कपड़ों से बनी हुई है। साथ में आप देख पा रहे होंगे डोरमैट्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे सिटी भोपाल में मैंने कैसे ये वाली रग्स और साथ में कई चीज़ें बनवाई बिल्कुल पुराने फटे कपड़ों से। तो आज है दिसंबर की 8 तारीख और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं एक भाई साहब का जिनका नाम है नन्हे। उनका फ़ोन आ चुका है। काफ़ी दिन पहले हमने कुछ ऑर्डर्स दिए थे उनको कुछ चीज़ें बनाने के लिए। तो ये जो भाई साहब हैं ये एक ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे कपड़ों की रिसाइकलिंग की जाती है। तो मैंने आज इन्हीं से अपनी कुछ चीज़ें लेनी है। तो मेरा बेटा जा चुका है, इनसे बातचीत चल रही है। थोड़ा सा हम इनको क्या करते हैं, जब ये आते हैं पुराने कपड़े लेने के लिए, हम इनको एडवांस कुछ पैसा दे देते हैं सो दैट इनको अपना काम करने में आसानी हो। और फिर जब हमारा जो भी हमने प्रोडक्ट इनको ऑर्डर करा है बन जाता है तो ये फ़ोन करते हैं और फिर आके हमें हर घर में डोर डिलीवरी कर जाते हैं। तो हमारी कॉलोनी में लगभग सभी लोग इनसे काफ़ी चीज़ें बनवाते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, कई घरों में हमारे कपड़े होते हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई पुरानी साड़ियाँ होती हैं, दुपट्टे होते हैं, फेडेड बच्चों की टी शर्ट्स पजामे होते हैं, तौलिए होते हैं। तो ये नन्हे क्या करते हैं कि हर तरीके का कपड़ा जो भी हमें नहीं चाहिए तो वो ही ले जाते हैं। और फिर ये जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, मैंने उनसे डिटेल्स मांगी कि कैसे आप इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाते हो। तो उन्होंने बताया कि ये डिफरेंट डिफरेंट कपड़ों को डिफरेंट तरीके से उनकी क्वालिटी और उनके स्टफ़ के हिसाब से रिसाइकल करते हैं। तो कई चीज़ें ये बनाते हैं, ये दरियां बनाते हैं, बेडशीट्स बनाते हैं और कारपेट्स बनाते हैं और जो डोरमेट्स बनाते हैं। तो मैंने इनको कई चीज़ें दी हैं। और क्या होता है फ्रेंड्स कि घर में अननेसेसरी स्टफ़ रहता है और हम लोग बाहर जाके और चीज़ें खरीदते रहते हैं। तो चलिए फिर आपको बताती हूँ। एक ये जो अभी दिखा रहे हैं ये वाली डबल बेड शीट है और ये वेलवेट के डिज़ाइन में ये बनाते हैं, बिल्कुल शनील जैसी लगती है, मोटी सी होती है। और दूसरा इनसे मैंने बनवानी है ये वाली कारपेट के डिज़ाइन वाली, ये वाली सिंगल बेड शीट। इसको हम एज़ कारपेट भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम दीवान पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको अगर हमने फ्लोर पे सिटिंग अरेंजमेंट बनाना हो तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस इन्होंने बताई है कि ये 400 रुपीज़ लेंगे। तो और इसके लिए मैं इनको पुराने कपड़े दी। नेक्स्ट जो ये दिखा रहे हैं ये रग है, ये लंबा सा होता है, ये सिंगल है पट्टी वाला, इससे ये डबल भी मिल जाता है, डबल चौड़ाई वाला भी। ये सारे भी बन जाते हैं जो टी शर्ट मटीरियल होता है ना उसके। और इसमें ये क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो भी पुराना कपड़ा रहता है उसको ये मशीन में डालते हैं। ये जो दरी है ये बना के देते हैं, ये जो हम सूती चादरें होती हैं जो कॉटन की फेड हो जाती हैं, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये रिसाइकल हो जाता है। ये उसको कपड़े को मशीन में चर्न करते हैं, उसका थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं और उसको फिर डाई करके नई नई दरियां बना देते हैं। और ये अक्सर काम आ जाती हैं, जैसे हम लोग हैं चटाई नहीं ख़रीदना चाहते क्योंकि वो प्लास्टिक होता है, तो इस तरीके से हम पुरानी चादरों को रिसाइकल करा सकते हैं। ये डबल बेड की है, रेड वाली बेडशीट। और इनको मैंने सोचा है कि मैं इनसे कई चीज़ें बनवा लूँगी घर की। और फ़िलहाल के लिए मैंने इनको जो ऑर्डर्स दिए हैं वो ये मेरे को देने के लिए आए हैं, तो वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और ज़्यादा ये पैसे भी नहीं लेते हैं क्योंकि ये रिसाइकलिंग बिजनेस है। लेकिन आप ये देखें ना कि हम इनको बिल्कुल पुरानी चीज़ें देते हैं और उसको ये फिर प्रोसेसिंग करते हैं और फिर ला करके हमें इतनी सुंदर कलरफुल चीज़ें देते हैं जिसको कि हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप ये देखें, ये सिंगल बेडशीट है, इसको ओढ़ भी सकते हैं, इसको सिंगल बेड पर बिछाया भी जा सकता है, कलर थोड़े ब्राइट हैं। और नहीं तो हम कोई घर में जैसे पुराना टेबल होता है उस पर भी एज टेबल क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये बना के लेकर के आए हैं सिंगल बेडशीट। कलर्स भी देखें, उन्होंने ठीक ही ठाक लगाए हैं,
और इतने कोई बुरे नहीं है और बहुत लाइट वेट है ये, कहीं ट्रैवल करना है तो इसको हम लेके जा सकते हैं और अच्छी है ये, प्योर कॉटन है। तो इसके लिए उन्होंने मेरे से लिए थे, दो पेयर्स लिए थे चादरों के, और कॉटन हम देते हैं तो उसका वो कॉटन का स्टफ़ बना के देते हैं और उसको बस वही है, थ्रेड को उन्होंने रिसाइकल करा है, साथ में ये थोड़ा सा अपना थ्रेड भी मिलाते हैं नए वाला, सो दैट जो स्टफ़ बनता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट ये वेलवेट मटेरियल में मैंने एक डबल बेड के लिए बेड कवर बनवाया है और ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया है, बहुत इसके अच्छे कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने लगा दिए और पुरानी चीज़ें थी सब यूज़ नहीं हो रही थी और फेडेड थी, तो ऐसे मन भी नहीं कर रहा था कि किसी गरीब आदमी को दे दिया जाए। होता है ना फ्रेंड्स, हम लोग सोचते हैं कि नहीं, जो चीज़ हम नहीं पहन पाते हैं तो किसी और को क्यों देना, क्यों, इसलिए कि वो गरीब है, अगर देना है तो नया ही खरीद के दिया जा सकता है भले सस्ता हो। इस चक्रों में क्या होता है, घरों में अलमारियाँ और ट्रंक्स जो है भरे रहते हैं पुराने पुराने चीज़ों के और ना किसी को दिए जाते हैं ना इस्तेमाल होते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने तीन चीज़ें बनवाई, एक तो मैं दीवान के ऊपर ये चादर जो आपको नज़र आ रही है और उसके साथ एक डबल बेड स्प्रेड और एक सिंगल बेडशीट। ये आप देखिए इतना सुंदर इन्होंने कारीगरी करी है, हम तो हैरान हो रहे हैं, इन्होंने इतनी खूबसूरत ये बनाई है और बहुत ही रीज़नेबल इन्होंने दाम लिए। बीच बीच में देखें ब्लू वाइट एंड रेड थ्रेड के साथ इन्होंने गोल्डन थ्रेड का भी इस्तेमाल किया, जिससे कि बड़ी रॉयल लुक आ रही है इस दीवान की कवर में। एंड बाकी जो बनाई हैं चादरें वो भी काफ़ी ब्राइट कलर्स हैं और मैं हैरान इसलिए हो रही हूँ कि हमने जो स्टफ़ दिया था वो एकदम फेडेड था और ये इन्होंने कलर वगैरह करके, ये देखें मैं पास से दिखाती हूँ, अच्छा मोटा स्टफ़ है और गर्मियों में इसको ओढ़ा भी जा सकता है कमरे में, खासकर जब एसी चलाते हैं तो थोड़ी सी ठंड लगती है, या ट्रैवल कर रहे हैं कहीं तो लेके जा सकते हैं। बड़े अच्छे इन्होंने कॉम्बिनेशंस लगाए हैं और बाकी जो धागे इधर साइड से निकल रहे हैं वो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे वहाँ पे गांठे लगाना होंगी। इसके अलावा मैंने ये बनाई है रग, ये सब टी शर्ट मटीरियल से बनी हुई है और ये भी, और सारे इसमें दुपट्टा के मटीरियल्स भी इन्होंने डाल दिए, जो भी पुरानी पुरानी चीज़ें थी वो सब इन्होंने प्रोसेस करके इसको ऐसे दरी की फॉर्म में बुन दिया, अच्छी सॉफ्ट है खासकर सर्दियों के लिए, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी और इसको मैं धोऊंगी फ़िलहाल, तो मैं वीडियो बनाने के लिए इसको आपको दिखा रही हूँ। दो मैंने फ्लोर मैट्स भी ली और आपसे भी यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी फ्रेंड्स, आप पता करें आपके सिटी में अगर इस तरीके से पुराने कपड़ों की रिसाइकलिंग होती हो तो ज़रूर करवा लें, वातावरण पे प्रदूषण का प्रभाव भी कम होता है और हमारी पुरानी चीज़ें भी रिसाइकल हो जाती हैं। ऑफकोर्स पैसे की बचत तो होती है लेकिन इसके और भी कई फ़ायदे होते हैं। होप करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।